हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम फैसले के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पारदर्शिता यानी कि लीगल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक महत्व रखने वाले मामलों में की जाने वाली जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग देने की अनुमति दे दी है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को व्यापक और समग्र दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश देने के साथ ही न्यायालयों में इस प्रक्रिया को पायलट आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजना कई चरणों में लागू की जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अयोध्या और SC ST आरक्षण जैसे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। कोर्ट की खुली सुनवाई के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट रूप से प्रोविज़न नहीं किया गया है। ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की धारा 327 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC की धारा 153B के प्रोविज़न का अनुसरण किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 क्या कहती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 के अनुसार वो जगह जहाँ कोई क्रिमिनल कोर्ट किसी अपराध की जांच या फिर उसका विचारण कर रहा हो या बैठता हो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें कि जनता नॉर्मली वहाँ तक प्रवेश कर सकेगी। लेकिन ये अगर वहाँ पर बैठे न्यायाधीश को ठीक लगे तो वो किसी विशेष मामले की जांच या फिर उसका विचारण उसमें किसी तरह के आदेश दे सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153B के बारे में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153B के अनुसार वो जगह जहां पर किसी केस का विचारण चल रहा हो और वहां पर सिविल कोर्ट लगता हो तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा। उसमें जनता नॉर्मली जहां तक पहुंच सकती है वहां पर सुविधापूर्वक जा सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर बैठा न्यायाधीश ये ठीक समझे तो किसी विशेष परिस्थितियों में जांच या फिर उसके प्रोसीजर में किसी तरह की आदेश दे सकती है। कोर्ट द्वारा जो कमरा प्रयोग किया जा रहा है या फिर वो जगह जहाँ पर कोर्ट बैठती है वहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति को पहुँचने से मना भी किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस पर सरकार का क्या कहना है। राष्ट्रीय महत्व के मामलों में न्यायिक कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन तैयार करने में दाखिल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें संवैधानिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुड़े मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जानी चाहिए। अटर्नी जनरल ने ये सुझाव भी दिए कि कोर्ट रूम की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए पार्टीज, पत्रकार, इंटर्न और वकीलों के लिए एक मीडिया रूम बनाया जा सकता है। अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये सिफारिश भी की थी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार लोकसभा या राज्यसभा की तरह ही अलग सर्वोच्च न्यायालय चैनल की व्यवस्था भी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने PIL दाखिल करके अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक महत्व के मामलों की पहचान करके उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए और उनका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित करने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में जवाबदेहिता के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।